कौन सा फर्क चल रहा तेरा चंबा रात क्रॉस करके बहुत ज्यादा तूफान, फोर लेन का काम चला हुआ, कैमरा कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, पर बहुत ज़्यादा धूल थी आजकल, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, गर्मियों में तो और हालत ख़राब होगी। शाहपुर बाज़ार आ गया। कोटला शहर में आपका स्वागत है। यहाँ मछली मिलेंगी हमारे को। ये सारे मछलियों के ठेले हैं, यहाँ पे मछली हमेशा लगा दे रहा है। भाई लोग थोड़ी दो दो बिना कंडियाले तो है भाई दिया, ये एक है भाई दिया पीस कन, ये थोड़े दे भाई लंदे है ना, जितनी हो पानी जितनी हो कर ले यार। हां भाई को कहां से रुपए ग्रांड में कोटला से मछली लेने के बाद अड्डे के लिए चल रहे हैं हम, कोटला बाजार, तंग बाजार, मछली के लिए फेमस बाजार। ये तो जरूर ले लाकर बीड़ियां पी तो जल लू कहां है। जूस पीने के बाद अब चलते हैं अगले सफर के लिए। चलो यहाँ से हम पालमपुर पठानकोट हाईवे छोड़ेंगे और छोटे से रास्ते से जाएंगे चंबा की तरफ। जोत की चढ़ाइयां चढ़ते हुए कुदू दी जोत दी। अच्छा कुदू दी जोत दी
ਫੁੱਟਾ ਬੋਲਦਾ ਰਵੀ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਧਾ ਸਖਾਇ ਸਿੰਪਾਇ ਦੋਇਓ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਕੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਪੈਕਟ ਲੈਣੇ ਪੋਣੇ ਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ ਹੋਣੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪੋਣਾ ਲੈਣਾ ਬੋਲਦਾ गुबारे मिठू बोला मैं आज ही है भाई ऐसा ना बोले आज ही है मैं कह तू तो रोज में बस चला दे तू बोले क्या बोला भाई बस चला दे तू नहीं पसीने में अंदर आते तू बंदा ढीला भाई दिखा रोड में दिखा खाली भरी थोड़ा कोई जगह ऐसी हो थोड़ी देर के लिए विश्राम वापसी नहीं चाहिए होना नो नो कहो रास्ता बिल्कुल खराब है भाई हम नहीं आने वाले नहीं बिल्कुल और तुम हैं चाहिए होना है नहीं मैंने खेत बढ़िया नहीं किसी के दिन आए हुए थे बेहद बढ़िया आए हुए थे जबरदस्त ब्रोट दी आज हम दिए थे ना नहीं तुम लोग वाकई जोध के रास्ते पे ये वो पेड़ हैं जिसपे बुरांस के फूल लगते हैं काफी सारे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्फ थी अभी बर्फ हटी है और रोड देखिए कितना बड़ा है में आपका स्वागत है जोत ए तू रुक यार मिट्टू वो लाना है उते तू दिलाई दे दिलाई दे ए तू ना एक बंदा जाना है क्या वो नंजी सिंपल आई नहीं क्या बोले हाँ क्या बोले उन्हें नहीं क्या बोले उन्हें फ्रेश बर्फी
जोत स्पेशल। चंबा की लाइटें और जोग से उतरते हुए हाईवे NH 0001 रात को जहाँ ठहरे थे ये होटल है और ये व्यू है यहाँ पे, आपको आगे लेके चलते हैं। ये सुबह का व्यू है, रावी नदी है, ये नीचे नदी है सारी रावी नदी, और यहाँ इन्होंने बड़ा प्यारा सा छोटा सा सेटअप किया हुआ है बैठने के लिए। रावी नदी रात को लेट हो गए थे इसलिए आपको दिखा नहीं पाए थे, अभी सुबह उठ के आपको रावी नदी। क्या दिखी रे? ऊपर पेड़। मॉर्निंग के बाद अब अपनी साइड पे चलते हुए, ये मेरी साइड थी जिसके लिए हम चंबा गए थे। साइड पे पैदल चलते हुए ऊपर नीचे नीचे है भाई दिलदार आज काली जी बार
बार क्रॉस करना पड़ेगा अपना पुल अरे मेडिकल कॉलेज सामने से श्रवण के एक साइड साइड देखने के बाद अब दूसरी साइड जाते हुए मेरे लेफ्ट में ये क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ था जो कोविड टाइम आया था, अभी इसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हुए पता क्या जो पार पोल पड़े उनको तो चढ़ाई दो रख दो तारे मत डालो ना सर पता क्या चढ़ा दो टेंट के अंदर जो सर्वा किया है ना मेरे को भी काम ज्यादा ही हो रहा है इस वजह से आपको ज्यादा ही काम कर ऊपर दिखाने के लिए भरते हैं आप लोग जो करते हो पूरा भरो कोई नहीं भरूंगी सर कहाँ से लगना तो होता है कुछ नहीं करना होगा ना तो एक दिन एक दो बार रास्ता जुड़े हैं ना यार साइट विजिट के बाद आप घर की तरफ प्रस्थान करते हुए तो हम जाएंगे अब बाया डलहौजी क्या खा रहे हो आप खीरा ओके क्या हुआ क्या हाल था काकड़ू टोपू का लाया ठंड लगी हो नजर ढाने थोड़ी बोला था पढ़ी तो सकते कुछ ना क्या पढ़ना था इससे बोर्ड जेड़ा ना कौन मोड मोड नहीं जन लगते तेरे बोर्ड तो मैं बोर्ड ही लाया होया क्या तुम्हें बंदर मामा बैठे मेरी मुन्नी बड़ी लगती मामा बंजल मामा चुकी चल जाती कड़ा जेसीबी कहने ट्रक पहाड़ा च
अगे तो चढ़ना जोत के उपर है लानी है बर्फी अद्धे अद्धे किलो बोली सब तीन जगह ड्राइवर पता करना बस चिंडा जरूर मरवानी है ना दोपहर भारी है ना एकदम ही दबिंदा ओले ओले दा बना हुंदा ए जेड़े बीच लगे हो ना इस पर गियर टायर ता इस पर का चढ़ाए थे इस पर ओ ट्रक वाला एकदम ही आई है ना ते क्यों की ब्रेक को मारनी था ओले ओले दे में ब्रेक आगे ऊपर पत्थर गिरते रहते हैं कि सावधानी से चले ये तो तक गिरते हैं ये आई जा जगह रहा ये आई लेक वे पॉइंट इस पास दब जा हां यही तो जगह है और भाई जो पता तुम्हारी सोच कितनी है लगी पता ताई तो मैं तेरी गल बोल रही हूं 55 ना गाड़ी फोन तुम देखो ना डेट है रास्ते में देखिए बहुत ही प्यारे खेत मुझे सिंपल ही गाली याद हो हैवी बारिश मैं पूछ लिया यार पूछ लिया सारा फास्ट फूड खाने के लिए रुकने के लिए लगे हम झंडे ही झंडे मैसेज ही आया हूं तो जा सिंपल एक बार मैसेज ही है था छतरू के पास मेरे पास छतरू है कुछ यार छतरू ले अच्छा हट गई थोड़ी देर के लिए लंच करने के लिए रुके हैं ये छोटे से रूम में बैठ के लंच करेंगे और व्यू दिखाता हूं आपको ओले पड़ रहे हैं बहुत ही प्यारा व्यू है यहां पे नीचे ओले पड़ रहे हैं बड़े ज्यादा बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ है और ये सिंपू जी आ रहे हैं है? और ये छोटू से कमरे में हम चले गए इनको दिन हो गया है और वो हमारी गाड़ी ऊपर मेन रोड चंबा अभी हम लंच करके निकल रहे हैं और ये मिठू भाई और ये तेरे से यो 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 हनी सिंह इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बर्फ भी पड़ गई है देखो बर्फ स्नोफॉल ओकरिंग रोड के साइड पे बर्फ जमी हुई है
ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਭਾਈ ਬੱਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਲੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਆਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜ ਖਾਣੇ ਦੋ ਦੋ ਹੋਈ ਆਹ ਚਬਰ ਮੋਲ ਜਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੰਨ ਕਰ ਲੋ ਜਾ ਅਭੀ ਹਮ ਲੈਂਗੇ ਮੱਲੀ ਫਿਸ਼ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅੱਡੇ ਲੱਗ ये चंबा को क्या रास्ता भाया खजियार और हम जाएंगे इस रोड पे क्योंकि हमें जाना है पालमपुर तो ये है बनीखेत की मार्केट बनीखेत से निकलते हुए अंधेरा ही अंधेरा वादियों में फोन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है पर बहुत अंधेरा है देख लो फोन ने तो साफ इधर तो दिखता है देख लो फोन ने भी इधर से यार ये देखो भाई होंगे गड्डी तन जी दसी नहीं गड्डी आई कहां से तो तेज चलना कौन है थोड़ी सी लड़ाई होती हुई धुंध में थोड़ी सी लड़ाई होती हुई एकदम साफ होती हुई एकदम से की साफ हो गई यहां पे पहले लड़ी बंदे मरी क्यों देखिए केडे केडे पहाड़ हैं ऊपर तक इतने खतरनाक मौसम के बाद इतनी ज्यादा धूप पड़ने के बाद आप धूप आती हुई और हमारा रोड बिल्कुल साफ होता है थोड़ी देर चलने के बाद अब हम रुके हैं मैगी पॉइंट पे लंच कर लिया अब मैगी खाते हैं हमारा छोटा सा मैगी पॉइंट निम्बू ढाबा चटपटी थी हैं मैं बोलते अपने साथ में बोला क्या बोले बहुत ही प्यारा छोटा सा सेटअप है इनका नहीं तो आपको नहीं फाड़ी तो मैं पूछा आपको नहीं फाड़ी ना आख तो नहीं फाड़ी सारा संजीता ने ये देखो ये दोनों मैगी ठूसते हुए एक ये है एक ये है क्या कर रहे हो आप तू क्या कर रहा है साला जिंदगी से नहीं मरना नहीं है मैगी खाने के बाद पहुंच गए हम नैनी खड बाजार ये है नैनी खड का बाजार जो कि खत्म हो चुका है दुनेरा बाजार में आपका स्वागत है यहाँ पे चंबा चौक और आम पापड़ मीठा खट्टा मिलता है जान देखे उसकी साइड लाए लगे लाए लगे ये देखिए यहाँ पे तो कुत्ते दे चुका हाथ से मिलती जगह लाए लिया तो दबी के बस सिंपल दिखे बाजार आ बाजार हैगा आम पापड़ जी घरे वाले नहीं होंगे तो इस ले ले रहा चाचे दे आज तक बिल्कुल मार अभी हम दुनेरा में बैठे हैं और हाँ जी और ये मिठू जी आ गए हैं कह तो हम बना लेंगे कितने का है क्या ला ला
तू क्या खा रहे हो? मैं चीजी नहीं, क्या चीजी खा रहा हूं? चीजी कुछ खा रही है क्या? चीजी खानी होई, ये खट्टा नहीं होता है। कुछ के बोला पैरी पैरी के बोले जो कच्ची कैरी कच्ची पैरी की शेर पड़ा पैरी उसकी जनास है बोले पैरी है पैरी कुछ फेसबुक लाइव चल रहे कुछ खा दे तू लगे बसर मला सही है तू मैं रोटी मंगा के नहीं रात लिया कुछ सही है हां उन मंगा के तेली पे है ले रहे छे मिठू बात छोड़ दे खुली कच्चा आम आड़ा स्वाद हो क्या बोला देख तू कुछ नहीं देख अंदर तो बसीर बसीर मैं उड़ी मैं क्या खिलाया तू बोलन साया पठानकोट कांगड़ा अब हम आ गए हैं अपने हाईवे पर यहाँ से लिखा है मंडी 182 किलोमीटर पालमपुर 86 किलोमीटर तो अभी हमारा सफर है 100 से ऊपर कैलाश दर्शन कैट आए थे वो लाश दर्शन बहना भी नहीं बसा को नहीं द्रमण पहुंचते हुए मंडी 146 बैजनाथ 70 डलहौजी 100 वेलकम टू द सिंपल रोड्स भाई मैं लग सिंपल ही गला ना मैं गर्मी तो चलो आई आ रही शीशे में खोला अब हम इंजो बज जाए नहीं दाल कभी ताई पोना पसीना गर्मी ताई लगती है हम पहुंच गए अपने घर ये हमारा मुनो ब्रूनो तो अभी हम पहुंच गए हैं और गाड़ी की कंडीशन ले रहता है पकड़ सामान में से और ये घर पे पहुंच गए हैं हम अब वहां के दी सके ना अच्छा तो बाहर जाना कहां का लाना तो ये था हमारा चंबा का सफर होप आपको अच्छा लगा हो हाय कायू हेलो हेलो आई यो चस हाय यो पापा का पिंटू क्या कर रहा पिंटू टीवी देख रहा बाय 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 यो बाय